हेलो नमस्ते। मैं जब जापान आने से पहले मैंने प्लान किया था कि मैं घर पे दिवाली के आसपास जाऊंगा। फिर जैसे यहाँ पर आया फिर पता चला कि दिवाली पे छुट्टी नहीं है। तो यहाँ पर जो जापान में जो मुझे ऑफ मिलता है वो तीन बार मिलता है। एक होता है मई में गोल्डन वीक, और जो दूसरा होता है वो होता है अगस्त में जिसे समर वैकेशंस बोलते हैं, और जो तीसरा है वो विंटर वैकेशन, वो होती है दिसंबर एंड में 25 से 5 जनवरी तक। तो फिर मैंने प्लान किया चलो अभी घर पे सरप्राइज़ देता हूँ। अभी जो अगस्त वाला ब्रेक है, जो मेरा वन वीक का ब्रेक था, वो वीक के बीच में आ रहा था, वेंसडे टू वेंसडे। वैकेशन ऐसे प्लान कर लिया, जो मेरी हर मंथ की एक छुट्टी मिलती है वो मैंने, वो टोटल साल में 12 मिलती हैं, तो वो मैंने 5 यूज़ कर ली, तो मुझे टोटल 2 हफ्ते का ब्रेक मिल गया। बाय बाय। आपको बताता हूँ एयरपोर्ट पे क्या हुआ। मैं सरप्राइज़ प्लान कर रहा था, मुझे डबल सरप्राइज़ मिल गया। तो हुआ क्या, मैं स्कूबा से टोक्यो जो नरिता एयरपोर्ट है वो उसका डिस्टेंस है 1 घंटे का बाय बस। मेरी जो फ़्लाइट थी वो नरिता टोक्यो एयरपोर्ट से थी 9:30 पे, तो मैं 6 बजे एयरपोर्ट पहुँच गया था। तो एयरपोर्ट पहुँचने के बाद मुझे वहाँ जाके पता चला जो ताइवान और चाइना के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रही है, तो उसकी वजह से उसके एयर स्पेस में चाइना मिसाइल छोड़ रहा था, तो उसकी वजह से उन्होंने जो मेरी फ़्लाइट थी वो 3 घंटे डिले कर दी थी। और जो मेरा जो नेक्स्ट फ्लाइट के बीच में जो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी वाया वियतनाम, उसके बीच में जो लेवर था वो 3 घंटे का ही था। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप दूसरी फ़्लाइट नहीं पकड़ पाओगे। तो कंपनी वालों से बात की, उन्होंने बताया कि आपको एक ही अल्टरनेटिव होगा जिसमें आपको जो दूसरी फ़्लाइट है वो नेक्स्ट डे मिलेगी सेम टाइम पे। तो मुझे उसके लिए मुझे 24 आवर्स मुझे एयरपोर्ट पे रुकना पड़ेगा वियतनाम के एयरपोर्ट पे। बाहर जाना अलाउड नहीं था बिकॉज़ मेरे पास वीज़ा नहीं था वहाँ का, और अगर वीज़ा होता भी तो फिर भी बाहर जाके 3 दिन क्वारंटीन करना पड़ता है, तो उसका कोई सेंस नहीं है बाहर जाने का। वैसे नॉर्मली मैं प्रेफर करता हूँ कनेक्टिंग फ़्लाइट्स, क्योंकि कनेक्टिंग फ़्लाइट्स एक तो चीप होती है कंपेयर टू डायरेक्ट फ़्लाइट्स, और दूसरा मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है काफ़ी घूमना। चाहे मुझे किसी कंट्री में 15 से 20 घंटे का लेवर मिलता है तो मैं उसे काफ़ी एंजॉय कर लेता हूँ। जैसे लास्ट टाइम मैं 2019 में यूएस गया था, तो जाते हुए मैंने साउथ कोरिया सियोल में एक लेवर लिया था अराउंड 18 आवर्स का। उसमें उन्होंने सियोल मेन सिटी घुमाई थी, वहाँ पर लेवर में वो फैसिलिटी अवेलेबल होती है साउथ कोरिया में। और वापसी आते हुए मुझे चाइना में 22 आवर्स का लेवर मिला था, तो वो मैंने काफ़ी एंजॉय किया था शंघाई में। तो मुझे काफ़ी पसंद है लेवर्स, लेकिन अभी कोविड की वजह से, पैंडमिक की वजह से सारी चीज़ें, सभी बाहर जाके आपको क्वारंटीन करना पड़ता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 दिन क्वारंटीन करना पड़ता है और आपका लेवर केवल 15 से 20 घंटे का होता है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो वो बेस्ट होता है कि आप एयरपोर्ट पर रुको। तो वहाँ पर जो एयरलाइन के इंचार्ज थे उनसे मैंने, उन्होंने मुझे बोला कि आपको वहाँ पर वेट करना है 24 आवर्स और आपको नेक्स्ट डे सेम टाइम पे फ़्लाइट मिलेगी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मेरी वैसे काफ़ी कम वेकेशंस हैं, और अगर पॉसिबल है तो कोई और अल्टरनेटिव आप दे सकते हो कि किसी दूसरी फ़्लाइट में बुक कर दो जो कि आज ही जा रही हो। तो उन्होंने मना कर दिया, और काफ़ी रूड तरीके से मना किया। तो मैंने उनको बोला ठीक है, आपको जो बुक करनी है आप बुक कर दो, लेकिन आपको एटलीस्ट एक अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि मैं पिछले यहाँ पर पिछले 5 महीने से रह रहा हूँ, और ये मेरा आज वर्स्ट एक्सपीरियंस है किसी जैपनीज़ के साथ। तो वो कह रहे सॉरी कर रहे थे, बट आई वॉज़ लाइक कि ठीक है, इट्स ओके, मेरी अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी तो आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। तो उसके बाद मैंने वो फ़्लाइट बोर्ड की वहाँ नरिता से वियतनाम के लिए, और मैंने घर इन्फॉर्म कर दिया था भाई भाभी जी को कि मैं मेरी फ़्लाइट डिले हो गई है, और वो मैं कल पहुँचूँगा सेम टाइम पे, जो जो कि रात को 9 बजे पहुँचा रही थी दिल्ली।
तो उसके बाद मैंने फ़्लाइट बोर्ड करने के बाद मैं बस सोच ही रहा था कि मैं 24 आवर्स क्या करने वाला हूँ, क्योंकि बाहर जाना तो अलाउड था नहीं। तो वही सोचा, फिर सोचा कि चलो वहाँ पर लाउंज वगैरह कुछ यूज़ कर लूँगा, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। तो फिर फ्लाइट लैंड होने के बाद मेरी सीट एक्चुअली सबसे लास्ट में थी, तो मैं बैठा रहा। और आपको पता ही है, लोग इंडिया के या बाहर के कहीं किसी भी कंट्री के हो, जैसे ही फ्लाइट रुकती है सभी लोग खड़े होके अपना बैग वैग उतार लेते हैं। इवन एयरलाइन वाले बोलते भी है कि आप थोड़ा सा वेट करो, बट नोबडी केयर्स। सो वियतनाम पहुँचने के बाद, मेरी फ़्लाइट वियतनाम पहुँची थी शाम को 6 बजे, और मेरी जो नेक्स्ट फ़्लाइट थी जो मैं बोर्ड करने वाला था पहले, अगर मेरी फ़्लाइट डिले नहीं होती, वो मेरी फ़्लाइट थी अराउंड वो 6:05 पे थी, जो कि मुझे नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि मुझे जो स्टाफ ने नेक्स्ट डे का सेम टाइम पे जो नेक्स्ट डे फ़्लाइट थी उसका बोर्डिंग पास दिया था। तो मैं जैसे ही बाहर निकला तो दो स्टाफ थे वियतजेट एयर के, उनके हाथ में एक बोर्ड था जिस पर लिखा हुआ था विक्की नंदल और मेरी आईडी, तो और वो सब मेरा नाम कॉल कर रहे थे। और एकदम से मैंने बोला हाँ मैं हूँ विकी, उन्होंने बोला रन, उन्होंने मुझे एक बोर्डिंग पास दिया और बोला भागो। भागते भागते वो बोर्डिंग पास चेक किया तो मुझे पता चला ये जो फ़्लाइट है वो आज वाली की उन्होंने दोबारा से बुक कर दी है। मे बी हो सकता है जो वहाँ पर स्टाफ थे जिनको मैंने बोला था, उन्होंने इन्हें रिक्वेस्ट किया हो कि आप उसकी सेम फ़्लाइट बुक कर दो। इवन टाइम हो चुका था और मेरा लगेज इस फ़्लाइट में था जिससे मैं उतरा था, तो उन्होंने बोला कि आपका वो जो लगेज है वो दूसरी फ़्लाइट में आएगा जो कल आने वाली है, आप अभी इसमें बैठ के आप दिल्ली जाओ ताकि आपका एक दिन बच जाए। और अगली 8 मिनट में मैं पिछली फ़्लाइट से उतर के दूसरी फ़्लाइट में बैठ चुका था। वैसे नॉर्मल ट्रांसफ़र में जो आपका ट्रांजिट ट्रांसफ़र होता है उसमें एटलीस्ट 1 घंटा लग जाता है, जो हमारा हैंड बैगेज होता है वो दोबारा से चेक होता है, सिक्योरिटी चेक के थ्रू जाता है, जहाँ पर बहुत लंबी लाइन होती है सभी फॉरनर्स की। तो उसमें उन्होंने जो स्टाफ थे उन्होंने फटाफट से मेरा बैग उठा के सबसे आगे रखा, मुझे फटाफट से सबसे आगे लगाया लाइन में उन्होंने, और फटाफट से दूसरी फ़्लाइट में बैठाया। और वो जो दूसरी फ़्लाइट थी वो उन्होंने मेरे लिए 5 मिनट रोक रखी थी। मेरे को ऐसा लगता है कि इतना फास्ट ट्रांसफ़र किसी ने किया नहीं होगा आज तक, और आई थिंक किसी कंट्री में शॉर्टेस्ट टाइम रहने का रिकॉर्ड मेरा नाम हो सकता है। और नेक्स्ट टास्क था घर पर बताना कि मैं कल की बजाय आज ही आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी खुद नहीं पता था। और वियतनाम में मेरे पास इंटरनेट पैक नहीं था और ना ही मैं एयरपोर्ट पे कनेक्ट कर पाया, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी भाग भाग के मैंने जो फ़्लाइट पकड़ी, और फ़्लाइट जस्ट उड़ने वाली थी तो मेरे सामने एक सरदार जी बैठे थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट चल रहा हो तो मैं 1-2 मिनट हॉटस्पॉट यूज़ करना चाहता हूँ, बस मुझे घर पर इन्फॉर्म करना है। तो पाजी ने बोला हाँ जी पाजी आप यूज़ करो। तो मैंने फटाफट से, फ़्लाइट टेक ऑफ हो चुकी थी, मैंने फटाफट से नेट कनेक्ट किया और घर पे मैंने मैसेज कर दिया कि मैं सेम फ़्लाइट में आ रहा हूँ, बस आज ही आ रहा हूँ। और ये लास्ट मैसेज डिलीवर नहीं हो पाया, बट भाई भाभी को पता चल गया था, आइडिया लग गया था, और वो फ़्लाइट ट्रैक कर रहे थे और वो मुझे टाइम पे आगे आकर मिल गए। और ये इस तरह से मेरा सरप्राइज़ सुपर सरप्राइज़ बन गया, फैमिली के लिए तो था ही और मेरे लिए तो डबल सरप्राइज़ बन गया। मैं मेहनत के साथ साथ लक पे भी बिलीव करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसी सिचुएशन काफ़ी बार हुई है लाइफ में जहाँ पर आकर एक सिचुएशन एक पॉइंट पे आके ऐसा लगता है कि आगे कुछ नहीं हो पाएगा, बट उसके बाद भी मैं डटा रहता हूँ और एक पेशेंस के साथ काम करता हूँ, बहुत पॉजिटिविटी के साथ काम करता हूँ, और एंड में जाके चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं जैसी मैं चाहता था। इनको मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, जिसमें बोलते हैं कि आप जैसा सोचते हैं वैसा आपके साथ हो जाता है। तो कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन होती है और मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूँ तो एंड उसका बहुत पॉजिटिव होता है। एंड से जस्ट पहले ऐसा होता है कि लाइक हार मान लो, बट नेवर से नेवर, मेहनत करते रहना चाहिए। जैसे एयरपोर्ट पे लैंड किया तो भैया भाभी मुझे लेने आ गए थे, और उसके बाद घर गया, सभी लोग बहुत खुश हुए, मैं भी बहुत खुश था क्योंकि बहुत टाइम बाद मिल रहा था।
वैसे मैं ग्रेजुएशन मेरे बीटेक के टाइम पे, मास्टर्स में, पीएचडी में मैं घर से बाहर ही रहा हूँ, हॉस्टल्स में रहा हूँ, बट हमेशा जगह आसपास ही होती थी तो नॉर्मल कभी घर पे महीने में चला ही जाता था। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं 5 महीने बाद घर जा रहा हूँ, तो आप एक्साइटमेंट समझ ही सकते हो और मेरी खुशी समझ सकते हो। बहुत कनेक्टेड हूँ फैमिली से, उनके साथ रहना अच्छा लगता है। एक चीज़ और जी, जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं हांगकॉन्ग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बना रहा हूँ। अभी मेरी वापसी की फ़्लाइट है टोक्यो की और मेरा लेओवर यहाँ पर 16 आवर्स का है। स्टिल इसमें भी बाहर जाना अलाउड नहीं है, तो मैंने सोचा चलो इस टाइम को यूज़ किया जाए और आपको दिखाता हूँ ये जो हांगकॉन्ग एयरपोर्ट है कैसा है, थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छी ब्यूटी है बाहर, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है हांगकॉन्ग एयरपोर्ट। लाइक केवल अंदर से ब्यूटीफुल, बाहर से तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसके एक साइड पहाड़ और सी है और इसके दूसरी तरफ माउंटेन्स और बिल्डिंग्स हैं। दिस इज माई फ्लाइट। तो ठीक है, आप सभी लोग ख्याल रखो। नमस्ते, बाय।